हमारे देश का अगर एक भी जवान शहीद हो तो दुख होता है, और पाकिस्तान लगातार अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा है। अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान को उसी की जुबान पर जो है जवाब दिया जाए। एक दुखद समाचार मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बता दूं कि हमारा एक जवान शहीद हुए हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल जो जानकारी हम तक पहुंची है उस जानकारी के मुताबिक एलओसी पुंछ में जो है हमारे जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, और उस पेट्रोलिंग के दौरान जो है देर रात पाकिस्तान की तरफ से माइन बिछाए गए थे, और जब हमारे जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे उसमें से सिपाही कृष्ण वैद्य जी उस पेट्रोलिंग में शामिल थे, यानी कि वो भी पेट्रोलिंग कर रहे थे, और उसके बाद जब माइन ब्लास्ट होता है तो वो शहीद हो जाते हैं। इस वक्त दुख का समय है, क्योंकि दुख होता है जब जब हमारे जवान शहीद होते हैं। हमारे जवानों की कीमत अनमोल है, और अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा खान, उसको भी अब उसी के भाषा में हमारी भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे हर दिन हमारे जवान जिनकी कीमत अनमोल है बदला तो लिया जाएगा। और अब जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं ज़रूर श्रद्धांजलि जो है उन्हें दीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के एक और बहादुर यानी कि भारत माँ का एक और लाल जो है इसमें लिए शहीद हो चुका है। उनका नाम आपको बता दूँ, सिपाही जो है सिपाही थे कृष्ण वैद्य जी, वो माइन ब्लास्ट में उन्होंने शहादत प्राप्त की है, और ये दुख का समय पूरे भारतवासियों के लिए है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा खान, हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान जैसा देश जो सिर्फ आतंकवाद को पैदा करता है, जो सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, जो आतंकवादियों को पनाह दे अपने मुल्क में बसाए हुए है, ये कायर मुल्क कायर देश। और तभी आपने कैप्शन में भी देखा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नस्तनाबूद करेगी हमारी इंडियन आर्मी, और इस शहादत का बदला भी लिया जाएगा। वो बदला जब भी लिया जाएगा जम्मू परिवर्तन ही आपको सबसे पहले खबर दिखाएगा। और ये दुख का समय है, और जब भी हमारे देश का एक भी सिपाही अगर शहीद हो तो दुख होता है, और हम भी जम्मू परिवर्तन की तरफ से उस शहीद कृष्ण वैद्य जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनके परिवार को जो है हम यही कहेंगे कि हमारे देश के जवान का कोई भी हमारे देश का जवान अगर कोई भी शहादत देता है तो बदला ज़रूर लिया जाएगा। पाकिस्तान की छाती में तिरंगा एक दिन ज़रूर लहराया जाएगा। और एक जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से जानकारी दे दूं, एक दुखद समाचार, पेट्रोलिंग के दौरान एलओसी पुंछ में हमारे जवान कृष्ण वैद्य जी माइन ब्लास्ट में शहीद हुए हैं, और एक दुखद समाचार पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमारे जवानों की जो कीमत है वो अनमोल है। अनमोल है हमारे हर एक जवान, हर एक सिपाही जो बॉर्डर में खड़ा है, जो हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक नौशावर कर देता है सिर्फ इस मिट्टी के लिए, इस भारत के लिए। और हम कि हम इस भारत में रहते हैं, आपको भी होगा, और आप ज़रूर जो है हमारे शहीद कृष्ण वैद्य जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। नमस्कार, जय हिंद।